हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में माल्टा T10 का जो आज के दिन का चौथा मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर कप को स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर कप को GL में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग में टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम आप क्रिएट करके जा सकते हो। देखो, ये प्रॉपर स्टार्ट वाला वीडियो नहीं है, जस्ट मैं आपको ड्रीम इलेवन में समझा दे रहा हूँ कि कौन सा प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट रहेगा और वो प्लेयर क्यों स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपको बताएंगे। बाकी कौन सा गेंदबाज आपको दो ओवर की गेंदबाजी करके जा सकता है, कौन सा बैट्समैन का कौन सा बैटिंग पोजीशन है, सब कुछ आपको डिटेल वाइज कवर करके देंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना बिना किसी एक भी पार्ट को स्किप किए हुए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू से। तो मार्सा स्पोर्ट्स क्लब मार्सा माल्टा में यह मैच खेला जाएगा। अगर पिच की बात किया जाए तो एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर गेंदबाजों का दबदबा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, जहां पर गेंदबाज आपको अच्छा खासा पॉइंट देकर जा रहे हैं। तो अपने टीम में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पेसर्स ट्राई करके चलना, क्योंकि जो पेसर्स है हमने जितने भी अभी तक 10 से 12 T10 का मुकाबला खेला जा चुका है माल्टा का, तो सारे में आपको पेसर्स का डोमिनेट देखने को मिला है और जो बल्लेबाज टेक्निकली अच्छा कर रहे हैं वही सिर्फ इस पिच पर रन स्कोर करके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिच सपोर्ट कर रही है गेंदबाजों को, पिच आर्टिफिशियल विकेट यूज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है वही विकेट निकाल रहा है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए बल्लेबाज अगर अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, मतलब बढ़िया स्ट्रोक शॉट खेलेगा, तो अच्छा खासा रन भी स्कोर करके जा सकता है। तो एक बैलेंस टीम हम क्रिएट करके जाएंगे जहां पर टेक्निकली अच्छे बैट्समैन को ट्राई कर लेंगे और बॉलर्स को अपने टीम में हम रोटेट करके चले जाएंगे। बाकी पेसर और स्पिनर्स में यहां पर पेसर्स के लिए पिच अच्छी खासी है, जहां पर देखो पेसर्स अच्छा खासा कर रहे हैं बट अब धीरे धीरे स्पिनर्स भी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो स्पिनर्स को भी हम इग्नोर नहीं करके जा सकते और स्पिनर्स को बाय डिफॉल्ट हमें ट्राई करके चलना होगा। तो जितने भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो आपको बल्लेबाजी से भी योगदान करके जा सकते हैं उनको अपने टीम में हम रोटेट करके जाएंगे। बाकी अगर वेदर का बात किया जाए तो बारिश का मौसम दिखा रहा है बट बहुत कम चांसेस है बारिश का, क्योंकि जितने भी हमने मैचेस देखे एक भी मैचेस में हमें बारिश का नामो निशान देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि बारिश नहीं होगा। बाकी रिसेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो एवरेज 51 रन का यहाँ पर, तो मान के चलो कि 90-100 ऐसे आसपास रन स्कोर होते हुए दिखेंगे। और दोनों टीम्स का ये दूसरा मार्सा का ये दूसरा मैच है, वही MMA का भी ये दूसरा मैच है। तो जो पहला मैच दोनों टीम्स का होगा उस पर हम नजर बना के चलेंगे। और देखो हम पहले पहले मैच का मैं टीम आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपने पहला वीडियो देख रखा होगा तो उसका देख वीडियो देख के मिनी जेल की टीम खुद से क्रिएट कर लेना, क्योंकि देखो मैं दूसरे मैच से टीम प्रोवाइड करूंगा कि एक प्रॉपर लाइनअप पता चल जाएगा। तो बेफालतू में लॉस करने से अच्छा है कि हम मिनी जेल में ही रिस्क ले जो लेना है रिस्क है। बाकी देखो लास्ट के 5 मैचेस में 42 विकेट गिरे जिसमें से 33 विकेट आपको पेसर्स ने और सिर्फ 9 विकेट आपको स्पिनर्स ने पिक कर रखे हैं। यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि 80% विकेट आपको पेसर्स ने और 20% विकेट आपको स्पिनर्स ने पिक कर रखे हैं। तो अभी भी हम कह रहे हैं कि पेसर्स को अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर लेना और स्पिनर्स सिर्फ क्वालिटी को अपने टीम में रोटेट करके जा सकती हो। बाकी देखो लास्ट के 5 मैच में से 3 मैच आपको मार्सा ने जीते हैं और 2 मुकाबला रद्द रहा था। वही MMA का इस मैच से पहले 1 मैच चल रहा है, तो उस मैच में हम नजर बना के चलेंगे कैसा क्या प्रदर्शन इनका रह रहा है उस मैच में, उसके हिसाब से हम अपने टीम में रोटेट करके चलेंगे प्लेयर्स का। देखो ये बिल्कुल नई टीम है तो पहले मैच से थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि कौन से प्लेयर्स को कौन से बैटिंग ऑर्डर पर बैटिंग करा रही है। बाकी जो दूसरे टीम से प्लेयर्स आए हैं थोड़ा बहुत अंदाजा से मैं बता दूंगा कौन से प्लेयर कौन से बैटिंग पे बैटिंग करने आ सकते हैं, बट T10 में आपको बैटिंग ऑर्डर एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि टीम इतना ना चेंजेस कर देती है कि। बाकी देखो अगर बात किया जाए यहाँ से मार्सा की तरफ से तो एफ मुगल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे मार्सा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से, तो 2 ओवर इनका कंफर्म मान के चलो और ओपनिंग भी कर लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपके टीम का चॉइस होना चाहिए एफ बिन महारोस का बात किया जाए तो भी टीम का आपके बाय डिफॉल्ट चॉइस होना चाहिए। 2 ओवर की इनकी भी कंफर्म गेंदबाजी मान के चलो और विकेट भी निकालते हैं और रन भी स्कोर करके जाते हैं। इन खोसला का बात किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा बैटिंग करेंगे तो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, उससे ऊपर आपको बैटिंग करते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि इनके जो नवीन खन्ना है वो सब ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे और ये नंबर 3 पर मोस्ट प्रोबेबली आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। MMA की तरफ से बात किया जाए तो एम दास आपको कंफर्म मान के चलो कि ओपनिंग इनके तरफ से यही करेंगे। एस शर्मा मोस्ट प्रोबेबली नंबर 3 पे या नंबर 4 पे आपको ये बैटिंग करेंगे और जे छक्कन की बात किया जाए तो नंबर 5 पर ये बैटिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं इस मैच में। तो ये जो 6 प्लेयर्स बताए उसमें से कोई 5 प्लेयर आप डेफिनेटली रोटेट करके चलना। बाकी अगर बात की जाए मार्सा की तरफ से तो बैटिंग ऑर्डर की तो एफ मुगल और यहां से
एन मेहर, नैन मेहर तो खेले नहीं है, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट करके चलना नवीन खन्ना या फिर एन खोसला, दोनों में से कोई एक ओपनिंग करके चलेंगे, मोस्ट चांसेस है कि नवीन खन्ना ही आपको ओपनिंग करें। ओपनिंग करेंगे तो एफ मुगल और नवीन खन्ना मान लेना, और खोसला करा लेंगे तो ठीक है, हम उनको अपने टीम में ट्राई करेंगे। बाकी एन सुलेमान नंबर तीन रहेंगे, फिर नंबर चार पे एन खोसला, नंबर पांच पे आपको दिखेंगे यहाँ से एफ बिन महारो से, नंबर छह पर आपको दिख जाएंगे ए हसन या फिर ए अरशद भी आपको नंबर छह पर बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे मार्सा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। इनके तरफ से बात कीजिए तो ओपनिंग इनका कंफर्म है एम दास, बाकी नंबर तीन नंबर चार पे ए शर्मा कंफर्म यही करेंगे, जे चकप्पन नंबर तीन पे आपको बैटिंग कर सकते हैं या नंबर चार पे, और एस जेम्स का देखते हैं बैटिंग पोजीशन क्या कैसे रहता है, पहले मैच के बाद ही इनका बैटिंग पोजीशन हमें पता चलेगा, तो उस मैच पर थोड़ा बहुत आप नजर बनाकर चलना। बाकी लाइनअप की बात करें तो अभी तक मार्सा का ही लाइनअप आ रखा है, जिसमें नवीन खन्ना और एफ मुगल ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं, एन खोसला नंबर तीन पे, नंबर चार पे यू सुलेमान, नंबर पांच पे एम सुलेमान और नंबर छह पर ए हसन, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, और नंबर सात आपको ए अरशद दिख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये टॉप सिक्स बल्लेबाजी हो जाएंगे, वैसे सेम आपको दिख रहे हैं लास्ट मैच में लाइनअप के हिसाब से। बाकी अभी तक एमएमए का नहीं आया तो उसका अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो चलो अब टीम डिस्कस कर लेते हैं, वहीं पर थोड़ा बहुत डिटेल में हम बात कर लेंगे किसको हमें ट्राई करना है किसको नहीं। देखो मार्सा की तरफ से एन मेहर एक बहुत ही तगड़े ओपनिंग बल्लेबाज थे, बट जैसा मैंने बताया था इनको एक दो मैच खिलाते फिर टीम रेस्ट दे देती है, तो मैं यहाँ से एन खन्ना को अपने टीम में ट्राई कर लूंगा। बाकी बैटिंग से एम दास आपकी टीम के सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन होने चाहिए, फिर यू सालीम और एम सुलेमान और एन खोसला में से मैं एन खोसला को पिक करके चलूंगा। एम सुलेमान का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, वहीं पर एन जो खोसला उनका बैटिंग ऑर्डर ठीक ठाक नंबर तीन पर आपको दिख रहा है, अगर इनका बैटिंग ऑर्डर डिमोट कर देती है टीम आफ्टर मतलब मैच स्टार्ट होने के बाद, तो मैं एम सुलेमान को फिर अपनी टीम में रोटेट कर लूंगा। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में आपके टीम के सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन होने चाहिए ए शर्मा। ए शर्मा देखो दो ओवर की कंफर्म गेंदबाजी करते हैं, विकेट भी निकालते हैं, रन भी स्कोर करते हैं, तो आपके टीम का सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन यही होंगे, और एफ मुगल आपको ओपनिंग करते हुए अच्छे खासे रन स्कोर कर रहे हैं, तो इनको भी हम अपनी टीम में पिक करेंगे, और गेंदबाजी से भी दो ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुगल भी आपकी टीम के सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन में होने चाहिए। बाकी जे छक्कन देखो इनका बैटिंग ऑर्डर अभी पूरा कंफर्म नहीं कौन से नंबर पे खेलेंगे, बट मेरे हिसाब से नंबर तीन या नंबर चार पर एक ये खेलेंगे, और नंबर चार एक पोजिशन पे आपको ए शर्मा खेलते हुए दिख सकते हैं, दोनों टीम के मेन स्पिनर है और अच्छे खासे रन भी स्कोर करके जाएंगे। एफ बिन महारोसे की बात करें तो देखो ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर में दिखा रहा है कि नंबर छह बैटिंग कर रहे हैं, वैसे ही दिखाते हैं कि नंबर चार या नंबर पांच पे बैटिंग कर रहे हैं, बट अभी ऑफिशियल बैटिंग के हिसाब से जा रहे हैं, तो एज अ बॉलर मैं इनको अपने टीम में रोटेट करके जा रहा हूं। बाकी बॉलिंग से बात करें तो ए हसन जिनका कंफर्म ऑफिशियल बैटिंग पोजीशन में नंबर पांच शो हो रहा था, इसकी वजह से मैं इनको ट्राई कर ले रहा हूं। बाकी डब्लू खान खेल नहीं रहे तो इनको ट्राई करने का कोई फायदा बनता नहीं है, तो यहां से फिर एफ मसीह को हम ट्राई कर लेंगे, जिनका बैटिंग पोजीशन नंबर आठ है, बट बैटिंग से ज्यादा उम्मीद ना लगा के गेंदबाजी से प्रॉपर दो ओवर की उम्मीद हम लगा के चलते हैं। बाकी एक आपको कृष्ण कुट्टी दिख सकते हैं, जो इनके तरफ से एमएमए की तरफ से सबसे मेन गेंदबाज आपको यही होंगे, तो 11 प्लेयर मैंने टीम ट्राई कर लिया, और मार्सा को थोड़ा बहुत फेवरेट करके मैं जा रहा हूं इस मैच में। देखो कैप्टनसी सब लोग आपको मार्सा की तरफ से एफ मुगल को करेंगे, जो कि दो ओवर की गेंदबाजी और बैटिंग में भी अच्छे खासे रन स्कोर करके जाएंगे और गेंदबाजी से भी विकेट निकालेंगे, तो मैं भी इनको कैप्टनसी दे रहा हूं। और अजय शर्मा जो लास्ट टीम में खेलते थे वहां पर नंबर तीन पर बैटिंग करते थे और दो ओवर की कंफर्म गेंदबाजी करते थे, तो ए शर्मा को हम वाइस कैप्टनसी देके चले जाएंगे इस मैच में। अगर बात किया जाए अभी के लिए हमारी क्या टीम बन रही है, तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से नवीन खन्ना को ट्राई कर रखा हूं मैंने, जबकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, 5% है, फिर भी मैं ट्राई करके जा रहा हूं बैटिंग ऑर्डर से और लास्ट सीजन के परफॉर्मेंस के बेस पे। बाकी बैटिंग से एन खोसला, यू सालीम और एम दास को ट्राई कर रखा है। देखो एम यू सालीम को मैंने ट्राई कर रखा है इनके प्लेस पे, एम सुलेमान को भी ट्राई कर सकता हूं, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर फेर बदल है इसके वजह से। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में एफ मुंगल रहेंगे, ए शर्मा, एफ बिन महारोसे से और जे छक्कन को ट्राई कर ले रहा हूं, ये चारों ही आपके लिए बेहतरीन ऑलराउंडर रहेंगे, और बैटिंग सेक्शन से सॉरी बॉलिंग से एफ मसीह, ए हसन और ए कृष्णन कुट्टी को मैं अपने टीम में ट्राई कर लूंगा। बाकी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, चाहे कुछ भी चेंजेस हो, चाहे बैटिंग ऑर्डर हो, प्लेइंग 11 हो, पिच रिपोर्ट, तो उतना मतलब बनता नहीं है, तो ये सारे चेंजेस अगर आपको अवॉइड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आफ्टर टॉस मैं विनिंग भी शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको लगे कि कितना हम खेले और कितना हम जीते, आपको सही लगे और आप हमारी टीम से खेल सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी के लिए हमारी टीम में फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।